और चलिए आप बाजार में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर सलाह देने के लिए हमारे साथ है बोनांजा पोर्टफोलियो के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट पुनीत किंद्रा और ट्रेड्स विद ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। आप दोनों का बहुत स्वागत है सौदा आपका में। पुनीत आपसे शुरुआत करूंगी। मॉर्निंग 4850 के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, वी कैन से कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं 4850 के लेवल से, लेकिन एक्सपायरी वीक है, बहुत अहम हफ्ता रहने वाला है। क्या लग रहा है कौन सा एक अहम लेवल है जो आप फिलहाल देख रहे हैं? इसलिए अगर फ्राइडे के फ्यूचर एंड ऑप्शन के डाटा को देखें तो निफ्टी नवंबर फ्यूचर की 4914.6 पर क्लोजिंग आई थी, इसमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। पर कॉल्स का डाटा काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि 48, 49, 5000 और 5100 चारों कॉल्स के अंदर राइटिंग देखने को मिली थी। हर जगह पे कॉल्स को शॉर्ट किया गया था और 4700 से 4800 की जो पुट है उसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला था, इसका तो उन पुट्स को बाय किया गया था। फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा के अंदर जो मार्केट में पोजीशन बनी थी वो एक मंदी की पोजीशन बनी थी, पर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ये डाटा हिंट दे रहा है वो एक ये भी हिंट दे रहा है कि मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी है वो 4800 से 5000 तक के दायरे में होनी चाहिए। इसके काफी सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि निफ्टी ने लास्ट वीक 5% का सेलिंग प्रेशर दिखाया है। दूसरा रीजन ये है कि पिछले 3 वीक से में मार्केट 9% से ज्यादा गिर चुका है। इंडेक्स का बैक टू बैक 3 वीक के अंदर 9% से ज्यादा गिरना, उसके बाद में 4750 से 4800 का सपोर्ट जोन नीचे होना, मुझे लगता नहीं कि ये जो 4700 से 4800 का जोन है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। एक रिकवरी नीचे से देखने को मिलेगी और जो हमारी एक्सपायरी है वो 4800 से 5000 के बीच में होगी। इनफैक्ट जो हमारी मार्केट की मूवमेंट है अगले कुछ दिनों तक 4700 से 5100 तक के बीच में रहने की उम्मीद बनती है। चलिए यहाँ पर संदीप का भी से भी एक राय लेते हैं। संदीप गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और इनफ्लोज के बदले अब आउटफ्लोज नजर आ रहे हैं, कितनी चिंता की बात है ये और क्या लगता है किस लेवल के आसपास खरीदारी देखने को मिलेगी बाजार में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मुद्दा है इंडियन इकोनॉमी के साथ वो है करेंसी का। इनफैक्ट फ्राइडे को जो बंद हुआ और आज भी जो खुला है, इनफैक्ट 5150 के ऊपर जो गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब 5190 का जो मार्च 2009 में लो बनाया था बस उसको क्रॉस नहीं करें और 5180 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लगता है। 5180 से 52 के बीच में करेंसी अगर रुक जाता है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज काफी पैनिक क्रिएट करेगा ये मार्केट में। और वैसे भी सारी चीजें अगर डॉलर क्रूड को देखो तो वो 5100 के आसपास घूम रहा है और ये 5100 के नीचे आ गया लास्ट वीक निफ्टी भी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो एक्सपायरी वीक है यहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करे, बट कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है, काफी नेगेटिव है मार्केट्स के लिए और बहुत कॉशियसली मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्ट तो अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल्स पहले आए थे 4600 के लेवल्स वहां पे आता है तो थोड़ी बहुत बाइंग की सोचे और बॉटम आउट होने की थोड़ा सा वेट करें और कहीं ना कहीं दिसंबर 9 तारीख को जो यूरोपियन समिट है वहां पे काफी कुछ डिसीजंस जब आएंगे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो 10-15 दिन है काफी वॉलेटाइल रहेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट से दूर रहने में ही फायदा रहेगा। यानी कि अभी बॉटम फिशिंग करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी चाहिए, 4600 तक के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर रुपया यहां से और कमजोर होता है तो शेयर बाजार के लिए दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। संदीप रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जिसने लगातार बाजार को कमजोर किया है, हर लेवल यहां पर टूटता हुआ नजर आया, 800 के नीचे ये शेयर पहुंच गया है, क्या लगता है यहां पर और ज्यादा डाउनसाइड नजर आती है या फिर ये एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि फ्रंटलाइन शेयर है इसमें अब खरीदारी करनी चाहिए या दूर रहें? देखिए मेरे हिसाब से रिलायंस में बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू हो तो इन्वेस्ट करें और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म व्यू में भी ऐसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे काफी बार कहा कि रिलायंस से इन्वेस्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स की कभी भी उम्मीद नहीं करें। जो पुराने भाव थे उसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि चलो अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वैसा नहीं, ऑलरेडी राइट वैल्यूएशन पे काम कर रहा है। जो भी इंडिया की पी है, जो मार्केट की पी है वही रिलायंस की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15 से 20% ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग रन में ये निवेश पे रिटर्न दे सकता है। बाकी अदरवाइज जो ये लेवल्स है अभी रिलायंस के, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहां से हो सकता है जो पिछला लो बनाया था वहां पे आ जावे और जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज आई है रिलायंस के अगेंस्ट में अभी, तो थोड़ा सा दूर रहे तो ये अच्छा रहेगा। अननेसेसरली एवरेजिंग भी नहीं करें और बॉटम फिशिंग भी एक बार मार्केट्स के साथ नहीं करें और पर्टिकुलरली रिलायंस में भी नहीं करें।
जी, तो रिलायंस में ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद आप नहीं कर सकते, यही सलाह है संदीप की, तो इससे दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही एक अहम खबर आज ये भी आई है कि पेट्रोलियम मंत्रालय कड़े कदम उठा सकते हैं रिलायंस के KG-D6 बेसिन के आउटपुट को लेकर, और ये भी हो सकता है कि दो ब्लॉक्स का जो खर्च है वो भी शायद बंद कर दे, तो रिलायंस के शेयर पर नजर रहेगी। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद नजर होगी कमोडिटी बाजार पर, कैसे खुले कमोडिटी बाजार, किन कमोडिटीज में निवेश से आपको होगा फायदा, आपको बताएंगे सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और वक्त हो गया कमोडिटी अपडेट का, कैसे खुले कमोडिटी बाजार जानने के लिए चलते हैं नेहा आनंद के पास। शुक्रिया इश्लीन, बड़ा ही मिला जुला सा रुझान हमने देखा है ओपनिंग के समय। कच्चे तेल की बात की जाए तो पूरे कमोडिटी मार्केट के पैक में हमने इसमें एक हल्की बढ़त पर शुरुआत होते हुए देखी, 1/4% ऊपर खुला था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो तेजी है वो यहां नेगेटिव हो गई, थोड़ा सा गिरावट में तब्दील हो गई। फिलहाल 5024 रुपए के पास ट्रेड्स होते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में जो पूरी तरह से बिकवाली हावी हुई है वो ही थोड़ा सा इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $97 के आसपास बने हुए हैं। वहीं अगर सोने चांदी की बात की जाए, सोने ने बिल्कुल फ्लैट शुरुआत की है, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्लैट ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं, 20 रुपए की महज तेजी, 28,720 के आसपास ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की जाए, सुबह के सत्र में काफी बिकवाली थी, 1,713-14 डॉलर के पास ट्रेड्स हो रहे थे, लेकिन वहां से इसने कुछ रिकवरी दिखाई और फिलहाल आप देख सकते हैं $1,720 के पास कुछ ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। चांदी पे खासा प्रेशर पड़ा है, लेकिन हमने देखा है कि सुबह के सत्र से अब तक यहां पर भी कुछ रिकवरी आई है, $31 के आसपास बने थे, फिलहाल $32 के कुछ ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 1/4% की गिरावट बरकरार है, 1% नीचे चांदी घरेलू बाजार में खुली है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो हमने यहां गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए देखी है, इंटरनेशनल मार्केट्स प्रेशर में है, एलएमई पर हमने 1.25% की गिरावट सुबह के सत्र में देखी है, वही रिफ्लेक्ट कर रही है कॉपर में। कॉपर के अलावा बाकी मेटल्स भी कुछ गिरावट लेकर ही खुले हैं, एल्यूमिनियम एक अपवाद है, यहां पर कुछ हल्की सी मजबूती लौटी है, लेकिन लेड 0.5% नीचे है। इसके अलावा जिंक और निकल में भी हमने 0.5% से 1% की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। आपको यह भी बता दें कि रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार जो कमजोरी है बरकरार है, और आज भी हमने इसमें खासी गिरावट के साथ ही शुरुआत होते हुए देखी है, अभी आप देख सकते हैं $1 की कीमत है ₹51.71। लेकिन आज ट्रेड्स आपको कैसे करके चलना चाहिए, कहां दाव लगाना चाहिए, ये समझाने के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़ चुके हैं। संदीप मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे शो में। संदीप, इससे पहले कि हम आपकी स्ट्रैटेजी यहां समझें, हमारे साथ एक दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं, कानपुर से राजेश जी हैं हमारे साथ। राजेश जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एमसीएस गोल्ड में मैंने 5 kg ले रखा है 27,800 रुपए में। ओके, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, मैं काफी दिन से होल्ड करके रखे हुए हूँ। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अभी मुनाफा वसूल करने का वक्त है? संदीप क्या लगता है, 27,800 पर इन्होंने 5 किलो उठाकर रखे हैं, मुनाफा हो रहा है क्या, अभी निकालने में समझदारी होगी? डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वांटिटी भी ले रखी है और अच्छा मुनाफे में भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं 28,800 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर 29,000 पे करें, क्योंकि चूंकि यूरोपियन प्रॉब्लम्स की वजह से गोल्ड को एक सेफ हेवन स्टेटस मिला और कहीं भी थोड़ा सा रिजॉल्व होते हुए दिखता है तो गोल्ड पे करेक्शन आ सकता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस भी हो रखा है गोल्ड। और दूसरी जो बात है, करेंसी वीक हो रही है इंडियन करेंसी, तो इसकी वजह से भी कन्वर्जन की वजह से थोड़ी सी तेजी इंडियन मार्केट्स में दिखाई दे रही है, तो ये सब फैक्टर जब धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे तो गोल्ड में वीकनेस आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको 29,000 और 28,800 इन लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और करीब 2 किलो करीब रख ले, वो भी फिर 29,500 का लेवल्स आए तो वहां एग्जिट करने की सोचा। ओके, बेहतरीन, तो कांग्रेचुलेशंस राजेश जी, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की रेकमेंडेशन है, कुछ तो आप आज ही कर पाएंगे 28,800 के पास, फिर 29,000 के लेवल पर बाकी निकाल लें, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहां पर करंट लेवल्स पर थोड़ा सा 2 किलो सोना उठाकर 29,500 पर उसे प्रॉफिट पे आप निकाल सकते हैं। एक एसएमएस आया है संदीप हमारे पास, विनय ने एमपी मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजा है, चांदी पर सवाल है, 56,911 के पास इन्होंने 4 लॉट उठाए हैं चांदी के, अब ये जानना चाह रहे थे क्या करें क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी देखी जा रही है चांदी में, काफी उठापटक है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, चांदी में एक जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, कहीं ना कहीं
54,000 का एक अच्छा सपोर्ट बन गया, 54,000 से लेकर 58,000 तो, और ये बीच के रेंज के बीच में कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रेड किया, तो काफी रिस्की ट्रेड हो सकता है इनके लिए। अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वेट करे और जहां भी थोड़ा उछाल आए तो थोड़ा सा निकलने का ही रुझान रखे, ज्यादा बेहतर होगा। और मेरे हिसाब से 57,200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां अगर आता है चांदी तो वहां पे निकलने की कोशिश करे, और उसके पहले भी 56,700 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ये दो लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान दे। और बाकी सपोर्ट जो बना हुआ 53,800 से लेकर 54,000 का बना हुआ है। ओके, तो बेसिकली चांदी में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, एक सीमित दायरे का कारोबार है, वॉलेटाइल ट्रेड है, तो आप जब भी अपनी पोजिशन खड़ी करते हैं स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। और फिलहाल आपके लिए रिकमेंडेशन है संदीप की तरफ से कि 57,200 के आसपास जो लेवल्स मिले वहां तुरंत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। चलिए संदीप से हमने नॉन एग्रो कमोडिटीज के बारे में तो जान लिया, संदीप बने रहेंगे सौदा आपका में, स्टॉक से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आपको क्विकली बता देते हैं कि आज जो एग्रो कमोडिटीज में क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई है। मसालों की अगर बात की जाए, ज्यादातर मसालों में एक सुस्त शुरुआत दिखी है, सिर्फ जीरा और हल्दी में हमने तकरीबन 0.5% से 2% तक की अपसाइड के साथ ओपनिंग देखी। आप देख सकते हैं कि हल्दी यहां पर तेजी से ऊपर जा रही है, 2.25% की मजबूती, 4,900 के ऊपर ट्रेड्स हम एनसी डेक्स पर देख रहे हैं। लेकिन बाकी मसालों की बात की जाए, हमने इसमें बिल्कुल फ्लैट शुरुआत होते हुए देखी। इनफैक्ट कार्डमम की अगर बात करें तो वहां नेगेटिव ओपनिंग हुई है। चने की अगर बात की जाए तो 2% नीचे हमने खुलते हुए देखा, ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली का प्रेशर है, डिमांड भी कुछ कम पड़ी है, इसका एक प्रेशर यहां पर हमें देखने को मिला है। ग्वार की बात की जाए, शुरुआत यहां सुस्त हुई थी लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से एक प्रेशर बनता गया, जो अभी फिलहाल ग्वार को 1% नीचे ले गया। ग्वार गम और ग्वार सी दोनों ही एनसीडीएक्स पर 1% नीचे लुढ़क चुके हैं। चीनी की अगर बात की जाए, बहुत वॉलेटाइल ट्रेड यहां देखने को मिला है लेकिन एक अपवर्ड ट्रेंड यहां पर बना हुआ है। हमने देखा है कि यहां पर जैसे ही जो एमएसपी में यहां पर सुधार की घोषणा हुई उत्तर प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में, उसका एक फायदा मिला है और आज हमने देखा है चीनी में एक अपसाइड मिला है। सोया कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हमने यहां पर होते हुए देखिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसा टर्बुलेंस है उसको देखते हुए घरेलू बाजार में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड सोयाबीन और सोया तेल में देखने को मिल रहा है। और कमोडिटी मार्केट की खबरें और इंट्राडे रणनीति अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा कमोडिटी राउंडअप में रोजाना 11:30 सिर्फ CNBC आवाज पर। और लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब शुरू करेंगे। पुनीत किन्नर और संदीप जैन बने हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। दोनों ही सूचकांक में गिरावट बढ़ती जा रही है, 150 अंक की गिरावट सेंसेक्स में है इस समय और 45 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है, 1% नीचे दोनों ही सूचकांक इस समय कारोबार करते हुए। ऑटो शेयरों की बात करें तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर, ये दो ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट आज निफ्टी में देखी जा रही है, 2.5% नीचे दोनों ही शेयर इस समय ट्रेड करते हुए। और रिलायंस तीसरा बड़ा लूजर बाजार में, आज के दिन 2.25% की गिरावट यहां पर देखी जा रही है। दूसरे पब्लिक सेक्टर कंपनियां भेल एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी एक गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली से हमें फोन किया है यशपाल सिंह जी ने। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ ना, मेरे पास सेल के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं 150 के रेट पे। ओके, अब मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं तो मैं जानना चाहता हूं जो अभी प्रेजेंट रेट्स हैं, क्या मैं 500 शेयर और खरीद सकता हूं इस टाइम पे, क्या सही टाइम रहेगा खरीदने के लिए। जी हाँ, 48 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, एवरेज करना चाहते हैं आप इस पोजीशन को। यहां पर पुनीत आपसे समझना चाहूंगा, क्या एवरेज करने की सलाह देंगे इन लेवल्स पर सेल में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी प्रोग्राम में कई बार हमने सेल को 150 रुपए के आसपास एग्जिट करने की सलाह दी है कि 150 के ऊपर ये नहीं जाएगा और यहाँ से काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और वो सेलिंग प्रेशर हम 3-4 बार इस प्रोग्राम में कह चुके हैं। और अगर आप ये प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं तो शायद आपने इसमें लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाई होती, पर फिर भी आपने इसमें लॉन्ग पोजिशन बना रखी है तो मैं इस सेल के ट्रेंड के बारे में कुछ आपको बता देता हूं कि जनवरी 2010 में सेल ने 267 रुपीज का टॉप बनाया था और तब से स्टॉक वन वे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। स्टॉक ने 88 रुपीज का लो बनाया है और अभी कोई रिकवरी यहां से देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी डाउन है और स्टॉक ने अभी अभी जो 105 के आसपास इसकी मेजर सपोर्ट थी उसको भी नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया है। एक जो पॉजिटिव साइड इस स्टॉक के पास में है वो सिर्फ ये है कि अभी ये लॉन्ग टर्म चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टील सेक्टर अभी सारा का सारा डाउन है, मुझे लगता है कि इसमें एक रैली आएगी भी तो 115 से 120 तक आएगी, उसके ऊपर रैली नहीं आएगी। आप पैसा इसमें ब्लॉक मत कीजिए,
114 से 120 तक की कोई भी रैली आती है आप इस स्टॉक से निकल जाइए और उस समय फिर उस टाइम के हिसाब से किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एवरेजिंग अभी यहां मत कीजिए क्योंकि ये स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, मार्केट भी पैनिक सेलिंग प्रेशर दिखा रही है और जब भी बियर मार्केट होती है उस समय कोई रेट नहीं होते, कोई स्टॉक जितना भी गिर सकता है। जब एक बॉटम फिशिंग होने लगे तब हम एवरेजिंग करते हैं, अभी ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा। आप 114 से 120 की रेंज में सेल से कोई भी रैली आती है निकल जाए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा 87 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे जाता है तो फिर इसमें 70 रुपीज तक का फॉल और देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो सेल ऑन रैली यही ख्याल है पुनीत का सेल में और आपको निकल जाना चाहिए इसमें से। मिर्जापुर से कृष्णा मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार कृष्णा जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैडम नमस्ते। मैडम मेरा नाम कृष्णा है मिर्जापुर से। मैडम ये मेरे पास 94 में फुजलान के करीब 400 शेयर है 94 के। ऑलराइट, 94 के भाव पर इन्होंने 400 शेयर लिए सुजलॉन के। संदीप, सुजलॉन हमने देखा लगातार नए लोज पे नए लोज बनाए जा रहा है, क्या सलाह होगी आपकी, क्या ये बने रहे? इन्हें फिलहाल 70 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है, क्या और डाउनसाइड इस शेयर में दिख रही है? 94 के बाद इन्होंने 24 तक देखा है, पहले तो बहुत हिम्मत वाले इन्वेस्टर है कि इतना नीचे तक देखा, और क्योंकि बीच में जब ये 55-60 के बीच में फ्लर्ट कर रहा था और रेंज में घूम रहा था तो वहां पे इनको एग्जिट करना जरूरी था, और अब फिर बाद में अच्छा खासा डाउनसाइड देख लिए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं 20 रुपए के लगभग एक सपोर्ट ले सकता है, बाकी मुझे फंडामेंटल थोड़े बहुत सुधर रहे हैं बट अदरवाइज तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ कंपनी के बारे में। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑल्सो, जिस तरीके का रेवेन्यू मॉडल है या जितनी टैक्स है कंपनी में और जो भी एक होल्डिंग है, इनफैक्ट काफी पब्लिक फैंसीड स्टॉक है, तो जल्दी से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तेजी आएगी। अब जहां भी है मौका देख के इससे निकलने की ही कोशिश करें, जहां भी ये 35 रुपए के लगभग आता है, 24 रुपए आज और 35 भी आने में काफी टाइम लगेगा, और इन लेवल्स पे निकलना का कोई मैं राय वैसे नहीं दूंगा, तो निकलने की कोशिश करें 35 के लेवल्स पे और बेटर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। 30 अप्रिसिएशन दूसरे स्टॉक में मिलेगा और मार्केट जब भी ऊपर जाएंगे तो उन स्टॉक्स के लॉस से प्रॉफिट से इसकी लॉस की भरपाई हो सकती है, अदरवाइज इस पर्टिकुलर स्टॉक के लॉस को इसी पर्टिकुलर स्टॉक के अप्रिसिएशन से अगर ये निकालने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से निराश हो जाएंगे। चले यहाँ पर हर रैली पर निकलने की ही चेष्टा करनी चाहिए। सुजलॉन में काफी नकारात्मक रुझान यहाँ पर सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं और पिछले हफ्ते खबरें भी काफी खराब आई थी सुजलॉन को लेकर, प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी घटाई है 2% के करीब और हमने देखा था इस खबर के बाद इस शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। किंगफिशर एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सबसे ज्यादा SMS हमें आजकल आ रहे हैं और एक SMS अभी आया है शाह साहब का सूरत से और इनका सवाल यह है कि 1000 शेयर है इनके पास, 45 रुपए के भाव पर इन्होंने निवेश किया था, 20 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का नुकसान यहां पर हो रहा है। अब पुनीत, लेकिन हमने देखा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में जब खराब खबरें आई थी उसके बाद यहां पर एक रैली देखने को मिल रही है किंगफिशर के स्टॉक में, करीब 22% का एप्रिसिएशन हो चुका है। 45 रुपए का भाव कब तक आ सकता है या फिर नहीं आएगा? हेमंत, इसमें एक रैली तो देखने को मिल रही है पर ये रैली शायद इस कारण भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था तभी एक रैली देखने को मिली है। पर फिलहाल मैं किंगफिशर के अगर ट्रेंड को देखूं तो नवंबर 2010 में स्टॉक ने 90 रुपीज का हाई बनाया था और उसके बाद से इसने लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाना शुरू किया और इस समय यह स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। नीचे स्टॉक की मेजर सपोर्ट 20 से 18 के बीच में है जहां से इस स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है। इस रिकवरी के पीछे रीजन यही था कि ये स्टॉक काफी ज्यादा वीकली चार्ट पर भी ओवरसोल्ड हो चुका था। अब ऊपर इस स्टॉक की मेजर रेजिस्टेंस देखें तो वो 26 से 30 के जोन में है, स्टॉक इस समय 25 से 26 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा आए हैं पर जब तक ये 26 से 30 का जोन इसमें ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट नहीं होगा ये स्टॉक फिर से नीचे गिर जाएगा और फिर से ये स्टॉक 18 का लेवल टेस्ट करेगा और 18 तोड़ देगा फिर 12 से 10 रुपए तक आ जाएगा। इनके लिए जो बेटर स्ट्रेटजी बनती है, इन्होंने 45 के रेट पर इसको बाय किया है, आप 26 से 30 रुपए की रेंज के अंदर किंगफिशर एयरलाइन से एक बार एग्जिट कर लें। 30 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है आप 5 रुपए का टारगेट आपको और मिलेगा, आप 35 रुपए पर फिर वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ऑलराइट, तो 26 से 30 रुपए के बीच कोई भी लक्ष्य अगर आपको मिलता है तो इसमें से निकल जाने की सलाह ही आपको पुनीत दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका, मैं इस ब्रेक के बाद सवाल फेसबुक से, कहीं मजाइए बने रहिए।
स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी चिंता इस समय शेयर बाजार में रुपए की कमजोरी को लेकर है और आज भी 32 महीने का निचला स्तर रुपए ने छू लिया, 51.72 रुपए तक रुपया कमजोर हो गया। और इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका जी जुड़ चुके हैं। हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, नया लेवल क्या देख रहे हैं आप रुपए के लिए? लास्ट टाइम हिम्मत आपके शो में हमने 52 बोला था पर राउंड 49-50 के नजदीक में, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट करीब करीब 52 के नजदीक जाएगा। उसके बाद शायद मार्केट में हमें करेक्शन नजर आएगा, बिकॉज जिस हिसाब की वीकनेस हमने देखा है लास्ट एक हफ्ते में वो काफी ही स्टीप रही है। जिस हिसाब से स्टीपनेस आई है मार्केट में, मुझे लग रहा है कि करेक्शन मार्केट में अब काफी ड्यू है। मेन कारण ये है कि कॉर्पोरेट्स इस समय काफी पैनिकी हो गए हैं ऑल अक्रॉस, एंड इतने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने डॉलर में चीप पैसा उठा के रखा है, उन्हें इस समय बायर्स क्रेडिट का रोल ओवर नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही कम बैंक से हैं जो बायर्स क्रेडिट के रोल ओवर दे रहे हैं इस समय मार्केट में, तो उन्हें मार्केट से खरीद के पेमेंट करना पड़ रहा है। साथ साथ में एफसीसीबी की भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, करीब करीब 12-13 हजार करोड़ की एफसीसीबी ड्यू है। उन सभी एफसीसीबी की भी एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट में कि लोगों को बाय करके ही एफसीसीबी की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस कारण से रुपये में एडिशनल प्रेशर आ रहा है। तो साथ ही साथ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये अंधाधुन मार्केट एक तरफ नहीं बढ़ सकता और 125 रुपए की करेक्शन हो सकता है 52 रुपए के बाद अपने को मिले, बट वहां पर बाय करने की एडवाइस है हमारी। और साथ साथ में हो सकता है फिर मार्केट एक फ्रेश लो बनाए 53 के नजदीक में, ये व्यू बन रही है इस समय। आपने कहा 53 रुपीज तक का एक फ्रेश लो भी बन सकता है। बाजार में कई इसी तरह के टारगेट्स सुनने को मिल रहे हैं अभिषेक, आगे चलकर आपने कहा एक बार बाउंस जरूर दे सकता है, उसके बाद 53 कब तक पहुंचता हुआ नजर आएगा रुपया? जिस हिसाब से मार्केट में फ्लोज है, काफी बड़ी कंपनी की न्यूज है कि कुछ बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, मगर काफी बड़ी कंपनियां हैं जो इस समय काफी पैनिक में आके उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, एंड वो एक साथ में ही मार्केट में काफी बाइंग कर रही है, बिकॉज उनकी बैलेंस शीट काफी डॉलराइज हो चुकी है 3-4 महीने पहले। उन्होंने सभी ने अपना रुपी लोन को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया है, और जो जैसे जैसे अब रुपी वीक जा रहा है इन कंपनियों की स्टॉप लॉसेस हिट हो रही है, वो डॉलर मार्केट में बाय कर रहे हैं। तो 53 का लेवल तो पॉसिबिलिटी है कि भाई अभी दिसंबर जनवरी तक मिल सके, बट मेन प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले भी कहा कि फरवरी से मई के बीच में होने वाली है, जबकि हमारी मैक्सिमम डॉलर की पेमेंट्स स्पेशली द इंपोर्ट जेन्युइन पेमेंट्स आर गोइंग टू बी ड्यू, तो उस समय काफी प्रॉब्लम हो सकती है डॉलर रुपी में। तो टेम्परेरी करेक्शन ड्यू है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी बेरिश है। चलिए धन्यवाद अभिषेक का इस जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टेम्परेरी एक जरूर करेक्शन देखने को मिल सकता है 52 रुपए के आसपास से, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा लंबा नजरिया लें तो 53 रुपए तक भी कमजोर हो सकता है रुपया, काफी चिंता की बात है शेयर बाजार के लिए। जी चलिए, अब वक्त हो चला है कुछ ऐसे सवाल लेने का जो हमारे प्रिय दर्शकों ने हमें सौदा आपका के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए हैं। और अकोला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक दियोदिकर। विवेक मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते जी, बताइए कहाँ पर निवेश किया है? जी मेरे पास कोहिनूर फूड्स के 100 शेयर है, तो मैंने 45 पे लिए है, और लैंको इंफ्रा के शेयर्स 500 लिए मैंने 14.95 रुपए में। ऑलराइट, कोहिनूर फूड्स और लैंको इंफ्रा में निवेश किया है आपको। लैंको इंफ्रा में करीब 2.5 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है और कोहिनूर फूड में भी करीब 5 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। सबसे पहले लैंको इंफ्रा की बात करते हैं। पुनीत, इंफ्रा स्पेस जैसे हमने देखा है काफी हैमर डाउन स्पेस रहा है, यहाँ पर लैंको इंफ्रा में क्या सलाह देंगे आप? 2.5 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। देखिए लैंको इंफ्रा की अगर जनरल ट्रेंड को देखें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 20 रुपए के लेवल से वन वे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। स्टॉक ने जो इसकी मेजर सपोर्ट 15.50 रुपए थी उसको भी नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन कर दिया है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो स्टॉक का है वो 10-8 रुपए के जोन के अंदर है। आपके पास यहां पर लैंको को लेकर दो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि यहीं से कोई रैली अगर 14-15 रुपए तक आती है, आपके कोस्ट टू कोस्ट आती है, आप इस स्टॉक से निकल जाइए, किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये रैली 14-15 रुपए के बीच में नहीं आती है तो आपके पास में दूसरा सिनेरियो ये है कि जब भी कोई डिक्लाइन 10-8 रुपए के जोन में आता है, ये वो जोन है जहां से इसमें हर एक बड़ी रैली देखने को मिली है, और इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर अगर बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी तो एक बड़ी
रिकवरी देखने को जरूर मिल जाएगी। आप 10 से 8 रुपए की जोन में इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं, 7 रुपए का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर 14 से 15 रुपए तक की कोई रैली आती है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर 8 से 10 रुपए के जो लक्ष्य है उनमें एक्युमुलेट कर सकते हैं आप लैंड कॉन्फ्रा। पुनीत, कोहिनूर फूड्स पे क्या सलाह होगी? देखिए, आपने 100 शेयर 45 के रेट पर लिए हैं और स्टॉक के अगर ट्रेंड को देखें तो ये स्टॉक इस समय शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपनी मेजर जो रेजिस्टेंस है 46 से 50, आपने स्टॉक को लिया 45 पर, जहां पर स्टॉक को बेचना चाहिए था आपने स्टॉक को वहीं पर बाय किया है। ये स्टॉक अपनी 46 से 50 की मेजर रेजिस्टेंस वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया तभी इतना हैवी सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में वहां से देखने को मिला है। पर यहां से अभी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, इस स्टॉक की नीचे सपोर्ट 37 से 36 रुपए के बीच में है। आप 36 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को होल्ड कीजिए और कोई भी रैली 46 रुपए के आसपास आती है आप इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। साथ में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बीरिश है, 36 का लेवल टूट भी सकता है, तो ये स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि 36 का लेवल अगर टूट जाएगा तो 30 से 28 रुपए तक का इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। चलिए, स्टॉप लॉस के ऊपर नजर जरूर रखनी होगी। यहाँ पर हितेश ने हमें फोन किया है अहमदाबाद से। हितेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या नमस्कार सर, मेरे को HDIL और IFCA में इन्वेस्ट करना है, तो ये टाइम से ही इन्वेस्ट करने के लिए। कितना पैसा आपको निवेश करना है, कुछ आपने मन बनाया है? अप्रोक्स 50,000 50,000 रुपए निवेश करना है। यहाँ पर संदीप, दो शेयर इन्होंने चुने हैं, HDIL और ISCI, इसमें निवेश करने का जानना चाहते हैं कि ये सही समय है या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों को एक बार अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी HDIL की बात करें तो रियल एस्टेट प्ले है, रियल एस्टेट प्ले में HDIL से बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की इंटरेस्ट रेट वापस से टाइटनिंग होने की मुझे उम्मीद लग रही है, जिस तरीके के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है इकोनॉमी के ऊपर, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो एक RBI ने भले ही गाइडलाइंस दी हो कि हो सकता है कि टॉप आउट हो गए, बट इतनी इजिली टॉप आउट होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और क्रूड ऑयल और ये सब, और प्लस जो करेंसी वीक हो रही है, तो इन सबको देखते हुए जल्दी से इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश नहीं करें। दोनों ही स्टॉक IFCI हो या HDIL, दोनों ही रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, तो कहीं ना कहीं HDIL की जगह पे मेरे हिसाब से DLF ले, और वो भी अभी वेट करके ले। DLF भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि 200 के लगभग एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें, और IFCI को एक बार अवॉइड करें। इनफैक्ट ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज फ्लोज में है IFCI, जिस तरीके से जो इनके लोन्स दिए हुए हैं और वहां कन्वर्जन इक्विटी में कन्वर्जन की जो इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि IFCI पे ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी काफी करेक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 15 रुपए के लेवल्स आएंगे तो IFCI में दिमाग लगाएं 15 से 20 में। बट स्टिल व्हाट आई सजेस्ट इज कि PFC या REC जैसे स्टॉक्स में निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। PFC REC जैसे शेयर, इतना ही नहीं DLF 200 रुपए के लेवल पर आता है तब वहां पर निवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए, और यहां पर आपको IFCI से दूर रहने की सलाह संदीप की ओर से निकल कर आ रही है। काफी कमजोर हो सकता है IFCI, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है लगातार गिरावट दिखा रहा है IFCI का शेयर। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके बाकी के सवाल के जवाब यहां पर हमारे दोनों ही विशेषज्ञ देंगे, पुनीत और संदीप हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं आशुतोष भाटिया। मॉर्निंग आशुतोष, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग, मेरे पास 75 शेयर्स हैं मारुति के एट द रेट ऑफ 1050। मैं 6 से 8 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ, ज्यादा और भी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी हो अभी के लिए? ऑलराइट, तो आप होल्ड कर सकते हैं 6 से 8 महीने या थोड़ा लंबा भी। 100 रुपए प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। पुनीत, मारुति के शेयर की काफी पिटाई हुई है पिछले हफ्ते, अगर देखे तो 12% तक टूट गया है स्टॉक, आप क्या सलाह देंगे अगर ये रुक सकते हैं तो बने रहे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को यह सलाह जरूर दूंगा कि सौदा आपका प्रोग्राम जरूर देखें, क्योंकि ये स्टॉक भी वही स्टॉक है, कुछ वीक पहले हमने चर्चा की थी, जब तक 1150 से 1200 के ऊपर मारुति ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा इसमें एक पैनिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। हमने अलग अलग प्रोग्राम में 3-4 बार रिकमेंड किया और इस स्टॉक में पैनिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इनफैक्ट ये 900 रुपए तक नीचे गया है।
आपकी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, स्टॉक 1200 रुपए के लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, इस समय मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को अगर सपोर्ट को देखें तो मई 2009 के अंदर जब कांग्रेस ने इलेक्शन को जीता था तो एक इसमें एक रनवे गैप बना था जो 875 के लेवल से बना था, और इसमें एक रिकवरी देखने को मिली है, वो 900 के लेवल से आई है। जब तक 875 का लेवल अब यहां से नहीं टूटेगा तो एक पूरी उम्मीद बन सकती है कि मारुति के अंदर यहां से एक रैली देखने को मिल सकती है। मैं यही कहूंगा कि कोई भी रैली 1025 से 1050 की रेंज में आती है, आप मारुति से एग्जिट कर लें। 825 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर ये लेवल टूट जाएगा, 875 का रनवे गैप का लेवल नीचे की तरफ टूट जाएगा, तो पैनिक फेज की सेकंड लेग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अगला सवाल लखनऊ से आया है, मनोरंजन सिंह जी ने हमें फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। बॉस, मैंने एलएनटी खरीदा है 1565 के रेट में 3 महीने पहले। ओके, मैं जानना चाहता हूँ क्या करूँ इसका, अभी तो काफी नीचे है। तो आपका नजरिया ट्रेडिंग का था या फिर निवेश का था, लंबी अवधि का निवेश के हिसाब से आपने खरीदा है ये शेयर या फिर आप ट्रेड करना चाहते थे? मिनिमम वन ईयर का आपका होराइजन है। चलिए, संदीप से समझना चाहेंगे। संदीप, काफी नुकसान हो रहा है एलएनटी में, ना सिर्फ इनको काफी सारे दर्शकों को, क्या सलाह होगी यहाँ पर? एक साल का नजरिया में क्या, कहाँ तक जा सकता है ये शेयर? देखिए, वैसे तो स्टॉक पिकिंग के लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एलएनटी जैसे स्टॉक्स भी पिक करने चाहिए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जहाँ इश्यूज नहीं हो, और या पास्ट ट्रैक भी देखे तो बहुत अच्छा है। तो जहां भी थोड़ा सा माहौल ठीक होगा, डेफिनेटली अभी कैपिटल गुड सेक्टर में काफी पिटाई हुई है सारे ही स्टॉक्स की, इंक्लूडिंग एलएनटी या भेल हो, बट इनकी जो ऑर्डर बुक पोजिशन है या जो भी इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है, मुझे ये स्टॉक्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते थे और मेरे राय में ये वैसे भी इसमें बने रहे। और एक साल का नजरिया, एक साल नहीं अगर ज्यादा भी नजरिया रखना हो तो रखिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और जिस तरीके से इन्होंने एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स में इन्होंने अपनी जो एक इंटेंशन दिखाई कि 59 पे इन्होंने आईपीओ लाके और 52 पे अलॉटमेंट किया है, तो जो एक कॉर्पोरेट का जो एक इंटेंशन होता है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच है इनका। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर ग्रुप में बने रहना चाहिए, और लॉन्ग रन में ये अगर स्टॉक रिटर्न नहीं देगा तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में और भी अगर ये लार्ज कैप्स हो ये लोग दे पाएंगे। तो जहां भी मार्केट रिकवर करेगा तो एलएनटी विल डेफिनेटली बी अ गुड गेनर और बने रहे इसमें। यहां पर संदीप 1250 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, आपने कहा एक साल और उससे ज्यादा का नजरिया रखना चाहिए, एक साल में किस तरह के रिटर्न, कितने प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए यहां पे निवेशकों? मेरे हिसाब से एक साल अगर ये वेट करेंगे तो कम से कम इनका जो भाव है 1550 ये तो आ ही जाएंगे, और करीब 1600-1650 का रेंज मुझे दिखता है यहां से कम से कम। और राइट, तो एक साल अगर आप रुक सकते हैं, 1600 से 1650 तक भी जा सकता है एलएनटी का शेयर, ये सलाह है संदीप की। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल। दोनों ही सलाहकार बने हुए हैं हमारे साथ, आप बने रहिए सौदा आपका। स्वागत है आपका। और बाजार में अब भी गिरावट का ही माहौल चल रहा है, 4850 के आसपास निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, 1% नीचे, और 165 अंक से ज्यादा की गिरावट इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा दबाव डाल रहे हैं सेल जैसे काउंटर्स, 4% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, ऑटो शेयरों में भी आज जमकर बिकवाली देखने को मिल रही है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो, ये दोनों ही शेयर 3% के आसपास नीचे कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है, भेल जैसे काउंटर्स 3% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। आज फार्मा शेयरों में भी बिल्कुल खरीदारी नहीं दिख रही है, हालांकि गिरावट में जब बाजार आता है तो कुछ डिफेंसिव में खरीदारी देखने को मिलती है, लेकिन रेंडेक्सी के ऊपर नजर डालें, 2.5% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और रिलायंस जो सबसे बड़ा फेवरेट माना जाता है स्टॉक और बड़ा स्टॉक है, इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, आज सुबह से ही 2.25% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो SBI जैसे स्टॉक्स और दूसरे बैंकिंग शेयर्स जैसे PNB, इनमें भी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस इस समय लाल निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं जी। और साथ ही ADAG पैक में भी काफी कमजोरी दिख रही है यहाँ पर, और उसी से रिलेटेड एक SMS आया है मुंबई से। चंद्र प्रकाश जैन ने हमसे रिलायंस पार पर सवाल पूछा है, 5000 शेयर्स लिए हैं 350 के भाव पर। संदीप, रिलायंस पार पिछले हफ्ते देखे तो 12% टूट गया था ये स्टॉक, क्या करना चाहिए इसमें?
संदीप आपको आवाज आ रही है? और पुनीत आपसे जानना चाहूंगी, रिलायंस पावर काफी वीकनेस दिखाई है स्टॉक ने, क्या करना चाहिए फिलहाल जिन लोगों के पास स्टॉक है? देखिए अगर इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन लिया जाए, इन्होंने 5000 शेयर 350 के रेट पर ले रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने इस स्टॉक को 2008 के लेवल से 3 साल से होल्ड कर रखा है। इसका यह भी मतलब हुआ कि इन्होंने एक बुल मार्केट जो 2000 मार्च 2009 से स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 2010 तक चली थी, वो भी छोड़ दी है, उसमें पैसा इनका ब्लॉक रहा। उसके बाद एक बियर मार्केट का जो पैनिक फेज चल रहा है उसमें भी इनका स्टॉक अभी तक ट्रैप है। ओवरऑल इनका पैसा इस स्टॉक में ब्लॉक है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक 115 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा, ये स्टॉक वीक जोन में ही रहेगा और इसमें सेलिंग प्रेशर 115 के पास जब भी आएगा फिर से देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ में इसकी रेजिस्टेंस 115 जो मैंने बात की है, अगर ये ब्रीच हो जाती है तो 140 रुपए तक का टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल अगर कोई इसमें हम बड़ी रिकवरी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी रिकवरी इसमें आनी चाहिए। आपके पास जो भी पोजिशन है 115 रुपए के आसपास आप इसमें एक बार एग्जिट कर सकते हैं, और 115 के ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग आती है तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 140 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए यानी कि 115 के आसपास यहाँ पर निकलने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। हालांकि काफी लंबे समय से आप इस शेयर में बने हुए हैं और यहाँ पर 115 का लेवल अब आप जरूर ध्यान में रखें। कई बार आपको मौका दिया बाजार ने निकलने का, लेकिन आप इस लॉन्ग पोजिशन को बनाकर ही रखे रहे। चलिए समय हो गया है यहाँ पर विदा लेने का हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से। पुनीत, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए? हेमंत, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर ये सेफ एज्यूम कर सकते हैं कि जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है वो स्टॉक हमारी कंपनी ने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो। संदीप, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर्स आज? डेफिनेटली मेरी कोई भी निजी पोजीशन नहीं है कोई भी स्टॉक्स में जिन पे डिस्कस किया, बट कहीं ना कहीं चूंकि रिटेल ब्रोकर हैं तो क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद पुनीत, आप दोनों का ही आज शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और चलिए अब वक्त हो गया स्टॉक 2020 के रिटर्न्स देखने का।